मैं उसको शुभकामना देना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे टू शिबू सोरेन। लेकिन शिबू सोरेन देशम गुरु, लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन बदले में उन्होंने, मुझे लगता है, आदिवासी समाज को कुछ नहीं दिया। और आज वो धृतराष्ट्र की तरह, जैसे उसका बेटा क्या क्या कर रहा है, आँख बंद के पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। तो जनता को हम जगाना चाहते हैं। अब दिशम गुरु हमारे काम का नहीं रहा, तुमको जागना होगा, खड़ा होना होगा और इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना होगा। नहीं तो एक तरफ दिशम गुरु लोगों को मैंने भटका लटका के अपने साथ वोट के लिए रखा है, दूसरी तरफ ईसाई गुरु भी अपना धर्म के मैंने विस्तार के लिए रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो सोरेन परिवार के खिलाफ विद्रोह के लिए बता रहे हैं। नहीं, सोरेन परिवार मैंने आदिवासी का हत्या, सोरेन परिवार को आदिवासी का रक्षक बनना चाहिए, वो वास्तव में भक्षक जैसी स्थिति में बन गए। जैसे कुर्मी मातों को एसटी बनाओ, ये सोरेन परिवार ही पहले दस्तखत किया है कि कुर्मी को एसटी बनाओ। अरे कुर्मी एसटी बन जाएगा, हम असली आदिवासी जो संताल मुंडा और राव खड़िया भूमि जाएं, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो जितना काम है सोरेन परिवार जो है, सीएनटी एसपीटी कानून भी तोड़ता है, पिता भी तोड़ा 1996 में, अब पुत्र तोड़ा 2023 में, नहीं 2021 में, और कई बार इसके पहले भी लोगों ने तोड़ा है। तो ना धर्म का काम, ना भाषा का काम, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनना चाहिए, कुछ नहीं करते हैं लोग। तो कई कारणों से हम लोग दुखी हैं, इसलिए इस नतीजे पर आए हैं कि झारखंड को बचाना है तो सोरेन खानदान, दिशम गुरु और ईसाई गुरु के खिलाफ, मतलब उनको बेनकाब करना जरूरी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।